का और मीरब का जो बर्गर है ना, हमने कहा चले जी इन दोनों का चैलेंज कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन बर्गर खाता है। हाँ, और जो हार गया उसको क्या मिलेगा? उसको इंजेक्शन लगेगा। हाँ? इंजेक्शन कौन लगवाएगा, देखते हैं इन दोनों में से किसको इंजेक्शन लगने वाला है। अल्लाह हाफिज़, ध्यान से जाना, ठीक है दोनों? ओके। अच्छा सा पेपर करना। हाँ जी, इतना शोर क्यों मचा रहे हो भाई, क्या हुआ? माशाल्लाह देखने कितने सारे हो गए। हमारे ये बच्चा था, बड़ा हो गया, ऊपर बैठ गया आके, और इनमें से भी एक बच्चा ये वाला है, थिंक ये वाला है, सेकंड वाला। आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, क्या कर रहे हो? तो माशाल्लाह से अब जो है ना, इस डोली में भी 4-5 अंडे हैं, उस वाली डोली में भी 4-5 अंडे हैं, और ये जिसके बच्चे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले जो न्यू देखने वाले हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी भी ज्वाइन किया, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो चलें जी, इस व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। हमने तकरीबन सुबह ही बच्चे जो हैं स्कूल चले गए थे, इनके पेपर जो हैं अभी चल रहे हैं। और कितने रह गए पेपर? दो रह गए, और जफर अली के तो दो पेपर रह गए, और मीरब का एक रह गया ना, मीरब का एक रह गया। फातिमा देखें हमारी सो रही है, और अहमद अली भी जो है वो दूसरे रूम में सो रहे हैं, और बच्चे भी आए हैं, ये कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं। और यहाँ देखें जो मैं बताती हूँ ना, कबूतर, ये देखें कबूतर हमारे यहाँ आते हैं, ये गैलरी से बाहर जो है ना, ये खिड़की के, ये बैक साइड है घर की, ये देखें यहाँ, ये एक नहीं बहुत सारे कबूतर आके जो बैठते हैं, हम इनके लिए फिर दाना भी डालते हैं इधर। हमें यानी कि जो है ना, बाहर जाके दाना डालने की ज़रूरत नहीं होती कबूतरों को, माशाल्लाह इधर इतने कबूतर आते हैं तो हम इनको यहीं दाना डाल देते हैं। तो बस अभी मैं क्या करने लगी हूँ, बच्चे स्कूल से आए हैं अभी, तो तुम लोग सो जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। हाँ, गैस नहीं आ रही, क्या करूँ, नाश्ता कैसे? हाँ, माइनस खा लेते हैं। माइनस खाना है क्योंकि गैस आएगी 1 बजे आएगी। हाँ बस अब अभी मैं जो हूँ जल्दी से सूट को शिलिंग करने लगी हूँ, क्योंकि हस्बैंड फिर शाम को आएंगे तो वो पूछेंगे कि भाई मेरा हस्बैंड आएंगे और फिर शाम को उन्होंने सूट देना है सिलाई के लिए, तो बस जल्दी से शिलिंग करते हैं। ये देखे जी फातिमा क्या कर रही है। फातिमा जो है ना इधर लेट के ना शरारतें कर रही है। देखे जी फातिमा, उधर देखो कैमरे की तरफ, फिर नाराज हो गई। सोच के बताओ कि वो जोकर था या बंदा था? वो नाराज हो गई फातिमा मेरी जान, क्यों नाराज हो रही हो आप? तो मेरी जानो हो, हैं? मामा से नाराज होगी? हाँ नहीं ना, मामा से कभी नाराज होती ना? नहीं। चलो बोलो हम सोने लगे हैं थोड़ी देर, बोलो हम सो रहे हैं, बाद में मिलेंगे, बाय 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 बाय। फ्लाइंग किस कर दो सबको, बोलो मेरे चैनल को जोर से बोलो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना? और लाइक करें, उधर देख के बोलो, इधर बोलो, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलो जी भाई, हम सोने लगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी अफ्तारी में बड़ा टाइम है, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दें, बाय बाय। और अभी यहाँ बच्चे जो हैं ना ट्यूशन से आ चुके हैं, और ट्यूशन से आके ना पेपर याद करके आए हैं, और अब आके फ्री फायर खेल रहे हैं। देखें ये फ्री फायर का नशा पता नहीं क्यों हो गया बच्चों को आजकल, इतना ज़्यादा यकीन करें हो गया। अहमद अली के तो पेपर पहले से ख़त्म हो गए हैं ना अहमद? इस्लामियात, मीरा का भी इस्लामियात है। और जी मोबाइलों की दुनिया, इधर देखें, ये भी देखें इधर, फातिमा क्या हो रहा है इधर देखो, फातिमा फातिमा देखो चक्की हुई, बहुत चक्की आ गई, चक्की आ गई ये, आपको डर नहीं लगता? यार हम तो बचपन में इतना डरते थे ये चक्की देखते हुए, और फातिमा को देखे, फातिमा चक्की देख ली होती है, वो जो डॉल वाली मूवी है चक्की, ये देखें चक्की। और इधर इनके पापा जो हैं सो गए, और अभी अफ्तारी में टाइम है, और मीरा भी इधर पेपर याद कर रही है। मीरा कौन सा इस्लामिक का पेपर है ना, लास्ट है बस, आराम से फिर जो है ना हम सहरी करके आराम से सोया करेंगे ना तुम लोग। अभी इनको मैं सहरी में उठाती नहीं हूँ क्योंकि इनके पेपर्स हो रहे हैं ना, तो मैंने कहा चले आपसे शेयर करती हूँ। आपने मेरा कलर तो देखा होगा माशाल्लाह, पहले से अभी रोशनी, इधर रोशनी का थोड़ा इशू है, तो काफ़ी अच्छा हो चुका है पहले से। मेरे अब लाइट जला दो,
तो मैं यही आपसे शेयर करने वाली थी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे भी ईद आने वाली है तो ज़ाहिर लड़कियाँ हो गई या लड़के हो गए, जो भी हो गए यार, वो तो यही सोचते ना ईद वाले दिन हम सबसे अच्छे नज़र आएँ। तो अच्छी है अपनी स्किन की, अपने बालों की केयर करनी चाहिए ना, तो रूटीन के साथ साथ अपनी केयर के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो चले जी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये है उसका है स्क्रब, डेली फेशियल स्क्रब। ये बहुत ज़बरदस्त है, यकीन करें ये इतना ज़बरदस्त है, इतना ये ज़बरदस्त है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये इतना ज़बरदस्त है कि मैं गारंटी से कहती हूँ 100%, आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे ना स्क्रब करके इसको, और फेस वॉश करेंगे ना, जब आप फेस वॉश करके आप अपना चेहरा शीशे में देखेंगे ना, यकीन करें आप कहेंगे वाकई इसका रिज़ल्ट है। तो मैं वैसे पॉन्ड्स की चीज़ें वैसे बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा। और ये मैंने इम्तियाज़ से लिया था, तो जब मैंने लास्ट टाइम इम्तियाज़ से लिया था उसके बाद हम बहुत दफ़ा गए, लेकिन ये दोबारा नहीं आया। अब काफ़ी अच्छे बाद आया तो मैं 2-3 इकट्ठे ले आई हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, यकीन करें इम्तियाज़ में ये दोबारा मिलता ही नहीं है। तो मैंने काफ़ी जगह वहाँ, हमने चेज़ में ही पता किया था ना, मेरा चेज़ में भी नहीं मिला था। तो फिर ये कि अभी इम्तियाज़ में माशाल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आई हुई है, बहुत ज़्यादा। तो मैं उस दिन 2-3 ले आई हूँ इकट्ठे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं तकरीबन डेली रूटीन में, चले अजान होती है ना तो फिर आपसे बात करती हूँ। और यहाँ देखिए हमारे कमरे में कितनी धूप आती है, मैं इस कमरे में आ गई हूँ, उस कमरे में जो है थोड़ा अंधेरा था, मैं बैठी हुई है और हस्बैंड पीछे सो रहे हैं। तो मैं जो आपको बता रही थी कि, और वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो गर्मियों में ज़्यादा अपने स्किन की केयर किया करें, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ अफ्तारी के लिए चिकन ब्रोस्ट, और साथ चना चाट होगी, साथ पकौड़े होंगे। तो बस जल्दी से ब्रोस्ट की तैयारी करते हैं। और चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी मैंने आपसे पहले भी शेयर की है, हमने 1 kg चिकन लिया है, और ये तो खैर चाट के लिए मैंने बना के रखा है मसाला। तो हमें ब्रोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए होगा, हमें लहसुन पाउडर चाहिए, हमें काली मिर्च चाहिए, हमें साथ नमक चाहिए, साथ थोड़ा सा मीठा सोडा चाहिए, और लाल मिर्च। अब लाल मिर्च आप कुटी भी डाल लें या बारीक डाल लें, वो वैसे मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की हुई है पहले चिकन ब्रोस्ट की। तो मैंने कहा चलें आपसे मैं बताती हूँ कि आज हम अफ्तारी में बना रहे हैं चिकन ब्रोस्ट, और ये यकीन करें बहुत ही मज़े का बनता है। जब इसकी कोटिंग होती है मैदे में और उसमें कॉर्नफ्लावर में, तो बहुत क्रिस्पी सा बन जाता है, जैसे KFC का ब्रोस्ट होता है ना, बिल्कुल वैसी लुक आती है। तो चलें बस जल्दी से मैं इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ, क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा, आधा एक घंटा इसको रखना है मैरिनेट करके। तब तक हमारे पकौड़े मैं उसको फ्राई करूँगी, और चना चाट जो है हमारी वो भी रेडी होने वाली। तो चलें जी इंशाल्लाह सब कुछ रेडी करके ना अब आपसे हम दस्तरखान पर मिलेंगे। और अफ्तारी हमारी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह जी, हमने आज क्या क्या बनाया है चलें मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने आज बनाया है जी पकौड़े हैं सबसे पहले, तो फिर है हमारी चना चाट है, साथ हमने बनाई है दही फुल्कियाँ, और साथ आज हमने स्पेशल बनाया है ब्रोस्ट, चिकन ब्रोस्ट बनाया है। और जाहिर है यार आज तो मीरब ने रोज़ा रखा हुआ है, तो चिकन ब्रोस्ट तो होना था। हम क्या कर रहे हैं, अब हम करते हैं अफ्तारी, अभी टाइम है, पहले दुआ मांगते हैं तो फिर अफ्तारी करेंगे। आज तो बहुत कुछ बना लिया तुमने। हाँ यार आज मैंने कहा चले आज ना, आज तो कमाल हो गया, ब्रोस्ट भी बनाते हैं। जाहिर है मेहनत लगती है, थक गई हूँ, यकीन करें मेरी कमर थक गई है खड़े खड़े किचन। सबसे अच्छा मजेदार है ये दही फुल्कियाँ, आपको पसंद है ना? दो चीजें ही पसंद है आपको, प्यास लगी थी मेरा, प्यास लगी, भूख ही लगी, प्यास लगी सारे, मेरी बच्ची ने आज सारा दिन अच्छा गुजार दिया माशाल्लाह, नहीं तो पता है इसकी भूख कैसी होती है। भी हमने मंगवा लिए बर्गर, और बर्गर सबके एक एक हैं, और हमने मंगवाए हैं फ्राइज ड्रम से, और यकीन करें फ्राइज ड्रम का टेस्ट ऐसा ज़बरदस्त है ना, बहुत ही मज़े का है। और ये देखें जी, ये ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं, ये मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मैं आप लोगों को वैसे ही बता रही हूँ कि अगर आपने फ़ास्ट फूड में बर्गर खाना है, और इनकी वेबसाइट भी है, आप इंस्टाग्राम पर जाके देखें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर है फ्राइज ड्रम के नाम से, यकीन करें बहुत मज़े का टेस्ट है। और ये बर्गर है हमारे जी, हम सब माशाल्लाह खा रहे हैं, उधर देखें अहमद का और मीरब का जो बर्गर है ना, हमने कहा चले जी इन दोनों का चैलेंज कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन बर्गर खाता है, हाँ सही है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3 स्टार्ट, आराम आराम से, कोई मसला नहीं, देखेंगे पहले किसका ख़त्म होगा, सही है। देखे जी कितना इन्होंने खा लिया है, हाफ हो गया दोनों का ना, बहुत ज़्यादा जल्दी खा रहा है, अपना बर्गर दिखाओ,
दिया अपना दिखाओ, दोनों के सेम है। और जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा? उसको एक और बर्गर मिलेगा। हाँ, और जो हार गया उसको क्या मिलेगा? उसको इंजेक्शन लगेगा। हाँ, सही बात है। अब इंजेक्शन कौन लगवाएगा, देखते हैं इन दोनों में से किसको इंजेक्शन लगने वाला है। हमने ये आपने नई ट्रिक निकाल दी है, बड़े बड़े बाइट लेके खाओ। जो जीतेगा उसको एक एक्स्ट्रा बर्गर मिलेगा। ठीक है भाई, ठीक है, ये उसके लिए इनाम है। विनिंग प्राइज, जल्दी खाओ। और इंजेक्शन का आपने इसलिए बोला है क्योंकि दोनों डरते हैं इंजेक्शन से, है ना? मीरब तो खासकर बहुत डरती है इंजेक्शन के नाम पे भागते हैं। देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। लड़ रहे हैं, देखें देखें जी, दोनों लड़ रहे हैं। वो कह रही है रुक जाओ, वो कह रही है रुक जाओ। अहमद जीतने वाला है ना, मीरब को इंजेक्शन लगने वाला है। मीरब इंजेक्शन लगेगा, बातें होनी। ये जीतने वाले का बर्गर यहाँ पड़ा है, जिसने उठाना है उठा लो, जीत जाओ। जिसने नहीं उठाना, ये जो जीतेगा उसको मिलेगा। और इंजेक्शन के लिए तैयार हो जाओ भाई, दोनों में से इंजेक्शन। टीटी वाला टीटी इंजेक्शन लगेगा। अहमद का बहुत थोड़ा है, वन बाइट का रह गया। वाह वाह वाह, भैया खाते हुए। वेल डन अहमद अली वेंडर वेंडर। ओह हो, भैया को गुस्सा चढ़ गया। मेरा सारी गोटियाँ गिरा दिए। देखो डिस्क्वालीफाई, अहमद का एक रह गया ऐसे। मीरम ने ज्यादा मुंह में डाल दी है अपने। अहमद और इधर शोर इसलिए नहीं मचा रही क्योंकि हमारी फातिमा सो रही है। जो जीतेगा खुश होगा। देखो चलो अहमद जीत गया, फातिमा सो रही है। जीत दो माशाल्लाह। जीत देखे मीरम ऐसे को लीजिए, मिर्ची लग रही है। अहमद बर्गर खा लेना, अहमद का एक्स्ट्रा बर्गर ये पड़ा हुआ है। माशाल्लाह जी, अहमद अली जीत चुके हैं। तालियां क्लैपिंग होनी चाहिए पहले तो। वेरी गुड अहमद अली, वेरी गुड। कैसे अभी? हाँ मेरे को तो खा सकते नहीं, नहीं जब तक जाए ना। आराम से अहमद, आराम से। ये तो बाहर आ रहा हूँ सारा। क्या हुआ तो मेरा जीत गया अहमद अली भाई, जीत गया। चले जी, आप अहमद को दें गिफ्ट। अहमद का एक्स्ट्रा बर्गर अहमद के लिए, ये है गिफ्ट। अब इसको रखो ना, बाद में खा लेना अभी। और तुम जो हो ना, क्यों खाती हो बहुत मीरब? लड़कियाँ तो इतनी जल्दी जल्दी खाती है यार। अब किस, अच्छा किस दिन बात सुने? अब किस दिन आपने और मैंने करना है, सही है? और हम करेंगे जिंगर बर्गर का या पिज्जे का कर लेंगे। पीजा। सही, पिज्जे का करेंगे, पिज्जा चैलेंज करेंगे हम दोनों कि कौन जल्दी पिज्जा खाएगा। ठीक है, डन हो गया। हाँ डन हो गया। तो चले जी, मीरब जो है इंजेक्शन के लिए तैयार हो जाए। टीटी इंजेक्शन, अभी तो इंजेक्शन लगाए। हाँ पड़ा हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं जी काशिप के कपड़े देने दर्जी को सिलने के लिए। ये देखें जी अंदर कपड़े हैं, और इनको अब मैंने कल से बोल रही हूँ कि कपड़े दे आते हैं, दर्जी नहीं लेगा, लेकिन अब ज़बरदस्ती उठा के लाई हूँ। अल्लाह करे अब दर्जी ले ले। नाप अंदर ही है, अच्छा नाप ऐसे कपड़ा लगा। मैंने असल में कभी सिलवाया ही नहीं। चलो यार शुक्र है दर्जी ने सूट तो ले लिया ना। हाँ यार। और इधर गली में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है क्योंकि लेट नाइट हो गई है। उसने बड़ी मुश्किल से लिया है। 28वें रोज़े को देगा ना? 28वें रोज़े को देगा। चलें, मुझे टेंशन हो रही थी कि सिलेगा कि नहीं। वो रेडीमेड लेते थे ना, इस बार ये कि अच्छा था, मैंने कहा चलें सिलवा लेते हैं। अब बस हम घर पहुंच चुके हैं, बच्चों को घर ही छोड़ के गए थे हम लोग। बच्चे डर के मारे गेट ही नहीं खोलते।